हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पन धाकड़ स्वागत करता हूं आपका धाकड़ एकेडमी में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज। तो ये जो चारों का जो यूज़ है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश में आपको अगर इसका यूज समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात। तो दिस दैट दीज दोज ध्यान से कहा जाते हैं, सबका मतलब एक ही होता है, बस ये सिंगुलर और प्लूरल की बात हो रही है। दिस का मतलब होता है यह है या ये, और दैट का मतलब होता है वो, दीज का मतलब होता है ये सब, दोज का मतलब होता है वो सब। जैसे मेरे ये फिंगर है तो ये कह देंगे ये उंगली है, ये उंगली है, तो हो जाएगा दिस इज द फिंगर, दिस इज द फिंगर। मैं बोलूँ कि वहाँ उधर कहीं साइड में दूर, मेरे से दूर वहाँ पेन है, वहाँ पेन है, तो दैट इज द पेन, दैट इज द पेन। जैसे यहाँ पेन है दिस इज द पेन, उधर पेन है दैट इज द पेन, दिस इज द पेन दैट इज द पेन। समझ में आ गई? पास की वस्तु के लिए दिस का यूज करेंगे, दूर की वस्तु के लिए दैट का यूज करेंगे। समझ में आई बात? पास की वस्तु के लिए दिस का यूज करेंगे, दूर की वस्तु के लिए दैट का यूज करेंगे। जैसे मेरे पास में कोई चीज है, यही मेरे पास है, यहीं के यहीं, दिस इज द पेन, दूर है तो दैट इज द पेन। समझ में आ गया? तो इस तरीके से पास है तो दिस, दूर है तो दैट। अब इसके बाद दीज और दोज पे आते हैं। जैसे यहाँ पर अभी एक की बात हो रही है, जब प्लूरल की बात हो, बहुत ज़्यादा की बात हो, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? हम वहाँ पर हम यूज़ करेंगे आपका दीज का, दिस की जगह, और दैट की जगह दोज का। जैसे ये बहुत सारे पेन हैं, ये बहुत सारे पेन हैं, तो क्या हो जाएगा? दीज आर द पेन्स। वहाँ बहुत सारे पेन हैं, या उधर वो बहुत सारे पेन हैं, वो बहुत सारे पेन हैं, दोज आर दी पेन्स। बगल में दीज आर दी पेन्स, दूर है दोज आर दी पेन्स, दीज आर दी पेन्स, दोज आर दी पेन्स। समझ में आ गई होगी आपको ये बात? तो दीज मतलब पास के लिए, दोज मतलब दूर के लिए, दिस सिंगुलर, दीज प्लूरल, दैट सिंगुलर, दोज प्लूरल। तो इस तरीके से आपका दिस दैट दीज दोज का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि दिस इज द बुक, यह किताब है, वो किताब है दैट इज अ बुक, ये किताबें हैं दीज आर दी बुक्स, वो किताबें हैं दोज आर दी बुक्स। तो इसी तरीके से हम यूज ऑफ दिस दैट दीज दोज खत्म होता है हमारा, फिनिश होता है। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो फीडबैक बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।